और बर्थ में कौन सा नंबर रहने से आपका राजयोग बन जाता है, तो आज राजयोग के बारे में बताएंगे, उसको गोल्डन प्लेन भी बोलते हैं। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए राजयोग के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। एगो डेट और बर्थ लिया है, इसको टोटल को हम जोड़ा तो यहाँ 34 नंबर निकल के आया, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 नंबर निकल के आया, इसको भाग्य अंक बोलते हैं। और 5 और 1 को जोड़ा तो हम यहाँ पर 6 नंबर निकल के आया, इसको मूल अंक बोलते हैं। तो लोसो ग्रिड में हम सब नंबर को फिट कर दिया। अब नंबर के बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। 1 नंबर होता है वाटर एलिमेंट, 9 नंबर होता है फायर एलिमेंट, और 5 नंबर होता है अर्थ एलिमेंट, और 7 नंबर होता है मेटल एलिमेंट, और 6 नंबर होता है मेटल एलिमेंट, और 4 नंबर होता है गुड एलिमेंट। तो 7 नंबर इनका जब रिपीट कर गया तो कोई सा बिजनेस ही करेंगे तो ये आगे में बढ़ेंगे, इनका बिजनेस का नीचे में नहीं होगा, डाउन कभी इनका बिजनेस करेगा नहीं, ये सक्सेस करते चले जाएंगे जब 7 नंबर इनका रिपीट कर गया तब। और ये परिवार का भी नंबर इसको बोलते हैं, परिवार से कुछ लेना, परिवार को कुछ देना, मतलब कि फैमिली सपोर्ट का नंबर इनका बहुत ज़बरदस्त है, किसी से ही मिलते हैं तो इन वो अपना ही बना लेते हैं। 1 नंबर 2 मरते रिपीट कर गया तो वाटर एलिमेंट है, प्लानिंग का नंबर ही बोलते हैं, ऐसा ऐसा ही प्लानिंग बना लेंगे कि इनका झांसा में कोई भी व्यक्ति फंस जाएगा। 9 नंबर इनका 1 मरते हैं, इसको फायर एलिमेंट बोलते हैं, तो इनका गुस्सा कम आता है और नॉर्मल व्यक्ति है। जब नॉर्मल व्यक्ति है तो किसी से ही बात करेंगे तो नॉर्मल तरीके से बात करेंगे और उसको अपना बना के ही पैसा खींच लेंगे। अब राजयोग के बारे में हम आपको बताते हैं, 6 अंक 5 अंक और 4 अंक, 4 5 6, ये हो गया गोल्डन प्लेन बन गया इनका। तो जब ये गोल्डन प्लेन बन गया इसी को राजयोग बोलते हैं। 6 नंबर हो गया लग्जरी गाड़ी बंगला ऐसो आराम दिया, 5 नंबर बिजनेस को जो है से कोई भी दिशा में कोई भी जगह में जाके ही जो है से 5 नंबर जब इनका है तो बिजनेस को खोल सकते हैं, बिजनेस से काम कमा सकते हैं। आइए अर्थ एलिमेंट बोलता है और जो है से कॉन्फिडेंस को बना के ये रखता है, इनको में इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी जगह भी दोस्त यार बना लेंगे ये और वहाँ पर बिजनेस खोलेंगे, इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। 4 नंबर बैंक बैलेंस का नंबर होता है, इनका बैंक बैलेंस एकदम एनी टाइम भरा हुआ रहेगा, बैंक बैलेंस का कमी नहीं रहेगा। 4 नंबर एक ऐसा नंबर है कि ईश्वर, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर रहता हो, ईश्वर उनको नाराज नहीं रखते हैं। ऐसे अभागा आदमी होगा जो 4 नंबर रहते भर में भी उनका बैंक में पैसा नहीं होगा। तो 4 नंबर हो गया गुड एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और मेटल एलिमेंट, इसको शुक्र का भी नंबर कहते हैं, इसको बुध का भी नंबर कहते हैं और इसको राहु का नंबर कहते हैं। तो ये तीनों मिल के इनका गोल्डन प्लेन बना देता है, ये राजयोग बन जाता है। जब राजयोग बन जाता है तो इनके पास जो है से पैसा खत्म नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा बाकी पैसा इनका खत्म नहीं होगा। इतना पैसा ही उझलेगा, इतना पैसा उझलेगा कि कोई हिसाब नहीं है, राहु का तो सर है अधर है ये नहीं है, अथाह पैसा देगा। और 6 नंबर इनका जो मेटल एलिमेंट है, इनको शुक्र का नंबर कहते हैं, इसको सुख सुविधा लग्जरी ऐसो आराम गाड़ी बंगला सब कुछ इनके पल्ले है, ये हम जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनका हम जानते हैं सब कुछ है। 5 अंक जो होता है हर किसी से जुड़ जाता है, मतलब कि कोई 5 अंक का दुश्मन नहीं होता है। बाकी ये डेट ऑफ बर्थ में एक चीज कमी है, 2 अंक नहीं है तो इनका माता पिता जो है से बरबखत बीमार रहेंगे। 3 नंबर नहीं है तो इनका पढ़ाई भी कम हुआ है, बीच में पढ़ाई ये छोड़ दिए हैं।
8 अंक इनका मिसिंग है। यहाँ पर जो होता है ये 8 अंक आता है तो ये मिसिंग है। तो 8 अंक मिसिंग रहने से क्या होता है कि इनको कामयाबी जो मिला है ये 35 के बाद कामयाबी इनको मिला है। 8 अंक होता तो पहले मिलता, बाकी 8 अंक मिसिंग रहने से 35 के बाद इनको कामयाबी मिला है, उसके पहले इनको बहुत स्ट्रगल रहा है। और 8 अंक मिसिंग जब है तो जब कामयाब हुए हैं तो केस मुकदमा में भी फंसेंगे, इसलिए कि 8 अंक जो होता है इस गुंडा हो, बदमाश हो, चोर हो, लुटेरा हो, नेता हो, अभिनेता हो, इस सब से काम लेने वाला ये नंबर है। तो इनका ये दुश्मनी से बचाता है 8 अंक। 8 अंक जो होता है थोड़ा दुश्मनी से बचाता है, प्रेम को जागृत करता है। तो 8 अंक इनका मिसिंग रहने से केस मुकदमा में ये फंस जाएंगे, जबकि राजयोग इनका जो बन रहा है और धन अथा आएगा, तो धन अथा जब आता है तो राहु जो होता है कुछ न कुछ बेईमानी कराता है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि आपको दिमाग में कुछ न कुछ आपको बेईमानी डालेगा ही, गलत रास्ता ले जाएगा ही। राहु का नंबर जब तक गलत रास्ता नहीं ले जाएगा, जब तक आप पैसा नहीं कमाइएगा, चाहे गरीब का खून चूसिए और चाहे किसी और का खून चूसिए, चाहे तो गरीब का हक मारिए, चाहे गोतिया का हक मारिए, चाहे कहूँ पर हक मारिए, राहु आपको ये काम कराएगा, गलत काम कराएगा, तभी आपके पल्ले पैसा आएगा। राहु जो होता है ये शक्ति से पैसा कमाता है और बैंक बैलेंस को भरता है, ये नहीं देखता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, गलत रास्ता से आ रहा है कि कैसे आ रहा है, ये राहु नहीं देखता। राहु कहता है कि हम पैसा तुमको देंगे। तो ये राहु है तो इनका राजयोग बन जाता है तो ये थोड़ा न थोड़ा गलत में जाएंगे। और यहाँ शनि महाराज जो इनका खराब हो रहा है शनि, तो ये दंडित कर देंगे। तो राजयोग तो बन रहा है, सब में ऐसा नहीं बनता है, सब में हो सकता है 8 नंबर रहे या राजयोग भी बन जाए, तो उनका अलग बात हो जाता है। तो हम राजयोग के बारे में आज बता रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि डेट और बर्थ में 6 नंबर या 5 नंबर या 4 नंबर जब आपका डेट और बर्थ में है तो राजयोग बन जाता है। और उसके साथ 8 अंक हो चाहे 3 अंक हो तो वो आपके लिए और बढ़िया है, इनके लिए भी बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। इसलिए है कि 8 अंक नहीं है तो ये रास्ता गलत सलत दुनिया जहान रास्ता से ही इनका पैसा आ रहा है। और समझ लीजिए कि इतना पैसा इनके पास है कि ये मतलब कि इनका से पैसा बर्दाश्त नहीं कभी कभी लिया जाता है, तो कुछ न कुछ मामला में ये फंस जाते हैं।